गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23। टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल करंट कैन कंडक्ट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन ईच अदर, व्हाई? ऑफ कोर्स दे विल एक्सर्ट अ फोर्स इन ऑन ईच अदर बिकॉज एक का फोर्स डायरेक्शन ऐसा, एक का ऐसा आता है। हमारे पास था एक, हम लोगों ने डेरिवेशन किया था कि दो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है जो सेम डायरेक्शन में अगर जाएंगे तो ये लोग एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो दे विल रिपेल ईच अदर। ठीक है, हम लोगों ने ये पढ़ा था, तो ये उसका डेरिवेशन है विच यू नो वेरी वेल। सो मैं क्वेश्चन नंबर 24 पे आती हूँ। अ साइनोसॉइडल वोल्टेज इज अप्लाइड टू एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंटेनिंग अ सर्किट एलिमेंट एक्स इन विच करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। अब देखिए, हम लोगों ने कुछ ऐसा फिगर पढ़ के रखा हुआ है। यहाँ पे ये हमारी वोल्टेज की लाइन, ये मेरा वोल्टेज इन द रेजिस्टेंस, और ये मेरी करंट है। ठीक है, अब यहाँ पे इंडक्टर में क्या होता है, करंट वोल्टेज लीड्स द करंट। इंडक्टर में VL आगे रहता है, करंट पीछे रहता है, जबकि कैपेसिटर में क्या होता है, यहाँ पे हम बनाते थे तो वोल्टेज क्या होता है, करंट से लैग करता है। ठीक है, करंट आगे रहता है। तो उन्होंने यही बोला हुआ है कि अ साइनोसॉइडल अप्लाइड करंट सर्किट इन विच करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। करंट देखिए आगे है और वोल्टेज पीछे। ठीक है, ये जीरो है तो ये पीछे, तो ये कौन सा सर्किट हो गया? ऑफकोर्स योर फर्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द सर्किट एलिमेंट एक्स इन द सर्किट। तो ये मैंने आपके लिए करके रखा हुआ। पहले यहाँ पे आते 24 के ए पार्ट पे, एक्स क्या है, कैपेसिटर, ये हमारा डायग्राम हमने बना दिया, और साइनोसॉइडल लगा रखा है तो हमने ये वोल्टेज वी अप्लाई कर दिया, वी इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, हमने ये अप्लाई करके रखा हुआ। अब यहाँ पे देखिए, हाँ ओके, नेक्स्ट इज उन्होंने बोला हुआ है कि राइट द फॉर्मूला फॉर द रिएक्टेंस। रिएक्टेंस का फॉर्मूला आप बताइए, तो रिएक्टेंस यानी एक्सी, एक्सी का फॉर्मूला कितना होगा, 1/ωc, करेक्ट है? अब ये और ओमेगा को अगर हम खोलेंगे तो 2πfc है ना, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2π/T होता है, और 1/T को क्या लिख सकते हैं, 2πf लिख सकते हैं, तो ओमेगा की जगह 2πf × c। अब उन्होंने नेक्स्ट पूछा हुआ है, सी शो ग्राफ, राइट द फॉर्मूला फॉर द रिएक्टेंस। हमने लिख लिया शो ग्राफिकली द वेरिएशन ऑफ रिएक्टेंस विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ इस एसी वोल्टेज। फ्रीक्वेंसी बोला है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं बोला, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी और ये लीनियर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज करते हैं तो ये क्या होता है, रिएक्टेंस क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो देखिए ये ऐसा ग्राफ बनेगा, एफ जैसे जैसे इंक्रीज करते जाएंगे एक्सी क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, करेक्ट है? अब नेक्स्ट उन्होंने बोला है, एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ दिस एलिमेंट व्हेन इट इज यूज एज एन एसी और एज एन डीसी। तो मैंने ये पूरा आपके लिए लिख के रखा है कि सपोज करिए अगर आप डीसी कैपेसिटर, और ये बीच में क्या है, डाइलेक्ट्रिक है, तो कैपेसिटर को डीसी पावर सप्लाई से लगाते हैं, हैविंग अ वोल्टेज ऑफ वी नॉट, तो क्या होगा, तो इन अ डीसी सर्किट कैपेसिटर चार्ज ग्रेजुअली अंटिल द चार्जिंग वोल्टेज ऑफ द कैपेसिटर इक्वल्स टू द वोल्टेज सप्लाई। ये देखिए, हमने जो मान लीजिए इस बैटरी का वोल्टेज कितना है, वी नॉट, तो जब तक इनिशियली आपने अनचार्ज कैपेसिटर लगाया होगा तो इनिशियली धीरे धीरे इस बैटरी से चार्ज यहाँ पे प्लेट पे जाते जाएंगे। अब चार्ज है ना, यहाँ से पास नहीं हो सकते, दे जस्ट एक्यूमुलेट, और उसको एक्यूमुलेशन उस प्लेट में होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इट टेक्स सम टाइम। तो जैसे शुरू में क्या होगा, थोड़ा थोड़ा वो चार्ज होता रहेगा, कब तक चार्जिंग होगी, जब इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या ना हो जाए, सेम नहीं हो जाए। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है, अंटिल द वोल्टेज सप्लाई सेम आफ्टर इट हैज़ बीन फुल्ली चार्ज, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है, कैपेसिटर विल नॉट अलाउ एन एडिशनल चार्ज टू पास थ्रू इट। अब कैपेसिटर यहाँ पर से एडिशनल चार्ज नहीं लगाने देगा, अब एडिशनल चार्ज नहीं होने देगा तो क्या होगा, करंट विल फ्लो पास, करंट विल फ्लो मोमेंटरली बट क्विकली स्टॉप्स एज सून एज द पावर ऑफ द सोर्स फुल्ली चार्ज द कैपेसिटर। जैसे ही ये फुली, पहले इनिशियली धीरे धीरे चार्ज हो रहा था तो थोड़ा सा एक मोमेंट्री करंट, एक शॉर्ट करंट डेवलप होता है, लेकिन जैसे ही वोल्टेज सेम हो जाता है और ये इसका चार्जिंग पूरी तरीके से फुल्ली चार्ज हो जाता है, द करंट क्विकली स्टॉप्स एज सून एज द पावर सोर्स फुल्ली चार्ज द कैपेसिटर, डीसी करंट नो लॉन्गर फ्लो थ्रू इट बिकॉज द कैपेसिटर इलेक्ट्रोड्स आर सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर। सही बात है, जैसे ही ये फुल्ली चार्ज हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाता है, तो कैपेसिटर के बीच में क्या, इंसुलेटर है, तो अब करंट पास नहीं हो सकता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द इंसुलेशन। देखिए यहाँ पे मैंने इसको समझाया हुआ है, मान लीजिए ये हमारा टाइम है और ये वोल्टेज है, इनिशियली क्या हो रहा है कि इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ तक जाने में, वी नॉट तक, जब ये इनिशियली इसको थोड़ा सा टाइम लग रहा है ना, तो उस समय एक मोमेंट्री करंट डेवलप होगा। ठीक है, और जैसे ही ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा, करंट क्विकली स्टॉप हो जाएगा, बिल्कुल देखिए लाइन से चिपक गया,
यानी क्विकली स्टॉप, कितना जैसे ही टाइम आप टाइम के साथ इसका रिलेशन देखिए, जैसे ही वी नॉट तक पहुँचा उसके बाद आप कितना भी टाइम बढ़ता जाएगा पर वो वी नॉट कर इस कैपेसिटर हमेशा फुल्ली चार्ज वी नॉट पे रहेगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो चुका है, लेकिन करंट क्या होगा, स्टॉप्स फ्लोइंग। ओके, अब नेक्स्ट उन्होंने बोला करंट स्टॉप्स फ्लोइंग एज सून एज द चार्जिंग कम्प्लीट्स। अब उन्होंने बोला एसी के साथ इसका क्या बिहेव है। अब देखिए एसी में क्या होता है, करंट जो है वो साइनसोइडल बिहेव करता है, यानी देखिए वोल्टेज चार्ज कभी प्लस का होगा प्लस क्यू फिर माइनस क्यू लेगा, तो कैपेसिटर भी क्या होता है ना प्लस क्यू माइनस क्यू के बीच में वेरी करता रहता है, मतलब पहले वो चार्जिंग पहले पॉजिटिव देन नेगेटिव देन पॉजिटिव, चार्जिंग इज रिपीटेड इन अल्टरनेटिंग डायरेक्शन। देखिए हम इसका रिटर्न देखते हैं, इन एन एसी करंट द पोलैरिटी चेंजेस रेगुलरली बिटवीन द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में पोलैरिटी चेंज होती रहती है और नेगेटिव चेंजेस रेगुलरली बिटवीन पॉजिटिव, कैपेसिटर रिपीटेडली चार्ज एंड डिस्चार्ज एज कैपेसिटर पोलैरिटी अल्टरनेट्स अलाउइंग एसी करंट टू फ्लो थ्रू इट। तो फिर उसमें से क्या पास होता है, एसी करंट। अब आप कहेंगे एसी करंट क्यों पास होता है, आप सोचिए कि यहाँ पे जब अल्टरनेट करंट पास हो रहा है तो अल्टरनेटिंग करंट क्या डेवलप करता है, अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स द करंट। तो कैपेसिटर के बीच में कौन सी चीज़ जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है जो कि करंट को कॉन्ट्रीब्यूट करे। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।